नमस्कार, जय हिंद, वेलकम, स्वागत। मैं हूँ रौनक। देखना शुरू कर चुके हैं आप रणतंत्र। इस नए साल पर आपने भी रेजोल्यूशन बनाए हैं, मैंने भी बनाया है। मेरा रेजोल्यूशन है कि बिना मोमोज पिज्जा बर्गर पास्ता छोड़े पतला होकर दिखाना है। ये तो वही बात हो गई कि बिना गीले हुए स्विमिंग पूल में जाना है। बड़ा ही घटिया रेजोल्यूशन है, नहीं? देखो, कल मैंने एक रेजोल्यूशन के बारे में जान लिया है और उसके बाद सारे रेजोल्यूशन मुझे घटिया ही लग रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि उनके नए साल का रेजोल्यूशन है कि वो इंडिया को एक वर्ल्ड कप जिताएंगे। ये हुई ना बात, पांड्या भाई फुल ऑन करके आओ। उसके बाद आप करण जौहर के शो पर जाकर जितनी बार भी कॉफी पियोगे उसका बिल आपका भाई चुकाएगा। वैसे भी साल 2023 हार्दिक पांड्या का साल हो सकता है। वर्ल्ड कप वाले साल में उनको वनडे का उपकप्तान नियुक्त कर दिया गया है। वनडे सीरीज की जब बात होगी तो हम इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन T20 में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आज टीम इंडिया अपने 2023 का आगाज करेगी श्रीलंका के खिलाफ वानखेड़े में शाम 7 बजे, और इस टीम में आपको वही फ्रेशनेस दिखेगी जो आज से 15 साल पहले 2007 में दिखी थी। तब कई सारे बड़े खिलाड़ियों ने T20 से अपने नाम को वापस ले लिया था और नतीजा हुआ था कि महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी मिली थी और उनके अंडर में रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, रॉबिन उथप्पा, इरफान पठान, यूसुफ पठान जैसे खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप में भेजा गया। अब हुआ ये कि इंडिया ने वो वर्ल्ड कप जीत लिया। T20 अचानक से एक बड़ा प्रोडक्ट बन गया और फिर उसके बाद बड़े नाम कभी टीम से बाहर हो ही नहीं पाए। लेकिन अब फिर वो मौका आया है जब टीम में आपको रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े नाम नहीं दिख रहे। गेंदबाजी में भी शिवम मावी, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह जैसे नाम निकल कर आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या भी T20 में फुल टाइम कप्तान बने हैं या नहीं, इस बात पर BCCI ने कोई क्लैरिटी नहीं दी। लेकिन अगला T20 वर्ल्ड कप 2024 में है और मुश्किल ही है कि रोहित शर्मा को लॉन्ग टर्म में T20 का कप्तान बनाकर रखा जाए, इसलिए कई लोग इस अपॉइंटमेंट को फाइनल मान रहे हैं। ऐसे में अगर आज से शुरू हो रही सीरीज में हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी का जादू दिखा गए तो फिर उनका नाम और पक्का हो जाएगा और अपनी टीम वो अपनी तरह से बना सकते हैं। टॉप ऑर्डर आपको पूरी तरह से नया नजर आएगा। संजू सैमसन फैंस के लिए भी खुशखबरी है कि उनको फाइनली परमानेंट जगह मिल सकती है। 2015 में T20 में आने वाले संजू सैमसन ने आज तक टीम इंडिया के लिए लगातार जो सबसे ज्यादा मैच खेले हैं वो 3 है। पूरी उम्मीद है कि पहले श्रीलंका के खिलाफ और उसके बाद न्यूजीलैंड में भी संजू को सभी मैचों में मौका मिलने वाला है। वनडे में डबल सेंचुरी मारने के बाद ईशान किशन भले ही अभी वनडे का रेगुलर पार्ट न बने हो, लेकिन T20 में उनकी भी जगह पक्की है। अब आज ओपनिंग वो शुभमन गिल के साथ करेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, ये देखने वाली बात होगी। जडेजा की गैरहाजिरी में ऑलराउंडर वाली जगह वॉशिंगटन सुंदर के पास रहेगी, जबकि टीम इंडिया की फास्ट गेंदबाजी के स्ट्राइक गेंदबाज अर्शदीप सिंह रहेंगे। वैसे मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि इधर क्रिकेट का सीजन शुरू नहीं हुआ और उधर माई 11 सर्कल ऐप वालों ने महिंद्रा थार बांटनी शुरू कर दी है। अर्शदीप सिंह वो खिलाड़ी हैं जो आज आपको माई 11 सर्कल ऐप पर बंपर प्राइज जिता सकते हैं और बंपर प्राइज में आज आपके पास महिंद्रा थार तो है ही, साथ ही आपको मिल सकता है मात्र ₹1 में iPhone 14 जीतने का मौका। जी हाँ, और कहां मिलेगा आपको ₹1 में iPhone? सिर्फ और सिर्फ माई 11 सर्कल ऐप पर। उसके लिए आपकी क्रिकेट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, जो कि मुझे पता है आपकी अच्छी है। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करना है और ₹1 में गिव अवे कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना है। याद रखिए, ये कॉन्टेस्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है, यानी आप लोगों के लिए है, और ये सिर्फ आपको हमारा जो लिंक दिया है ना वहीं से एक्टिवेट होगा। इसलिए बोल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है फटाफट से उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कर लो। वीडियो पे वापस आते हैं और बात करते हैं श्रीलंकन टीम की। एक तो 3 महीने का IPL होता है, फिर साल में एक बार तो श्रीलंका वाले इंडिया आ ही जाते हैं। कोई खिलाड़ी छुट्टी के लिए आता हो वो अलग। कहने का मतलब ये है कि श्रीलंका वाले शायद इतना श्रीलंका में न रहते हो जितना टाइम इंडिया में गुजरता हो उनका। इसके बावजूद उनको इंडिया के खिलाफ खेलते वक्त लोकल कंडीशन जानने का बिल्कुल फायदा नहीं होता, क्योंकि हाल फिलहाल में इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच में इंडिया ही हावी रही है। हां, एशिया कप में मिली हार अभी तक हम अपने कलेजे से लगाए बैठे हैं और ये अच्छा मौका है एशिया कप चैंपियन से अपनी हार का बदला लेने का। इंडिविजुअल प्लेयर के तौर पर श्रीलंका के पास कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको देखकर आपको लगेगा कि वाकई लंका सोने की लंका रही होगी। वानिंदु हसरंगा उनमें से एक हैं। हाल फिलहाल में वो श्रीलंका के रॉकस्टार हैं और पूरी टीम की परफॉर्मेंस उनकी परफॉर्मेंस के इर्द-गिर्द घूमती है। ऐसे में वही होंगे आज के मैच में श्रीलंका की सबसे बड़ी उम्मीद। वानखेड़े की छोटी बाउंड्री श्रीलंका के भानुका राजपक्षे को भी रास आ सकती है और इंडिया की नई नवेली बॉलिंग लाइनअप को उनको रोकने का तरीका सोचना होगा। आज रात तक पता चल जाएगा कि उसमें वो कितने कामयाब हुए। लेकिन आपको अब बता देते हैं माई 11 सर्कल ऐप पर हम कौन सी टीम बनाने जा रहे हैं। विकेट कीपर होने वाले ईशान किशन, संजू सैमसन और कुशल मेंडिस। बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव से करवाएंगे। प्रथम निशंका होंगे, चरित असलंका होंगे, भानुका राजपक्षे होंगे। ऑलराउंडर हार्दिक भैया और वानिंदु भैया, जबकि गेंदबाजी कर रहे हैं महेश तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण और उमरान मलिक। कप्तान बनाऊंगा ईशान किशन को, जबकि उप कप्तान है वानिंदु हसरंगा। आप भी फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करो और ₹1 में iPhone 14 और महिंद्रा थार जीतने का मौका पाओ। लेकिन याद रखना, दिस गेम इन ऑल्स एंड
एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी हम आपसे मिल रहे हैं कल सुबह साल के पहले मैच का पूरा हाल चाल और बवाल लेकर। वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके प्लीज जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप देख कहां से रहे और आपका नाम क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, जय हिंद।